बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड ध्वस्त कर रचा इतिहास। ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज। बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार रात वनडे करियर का 17वां शतक जड़, टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस पारी के दौरान उन्होंने बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए। पाकिस्तान ने बुधवार रात वेस्टइंडीज को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 5 विकेट से पटकनी दी और बाबर आजम ने इसी मैच में 17वां शतक जड़ा। इस शतकीय पारी के साथ पाकिस्तानी कप्तान ने इतिहास रचने के साथ साथ भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली का भी बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। वेस्टइंडीज के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज से होप के शतक के दम पर 305 रन बनाए और इस स्कोर को पाकिस्तान ने 4 गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया। मुल्तान में 14 साल बाद इस मुकाबले के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई और कप्तान बाबर आजम ने फैंस का स्वागत अपने शतक के साथ किया। इस पारी के साथ पाक कप्तान ने बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे कर लिए। इस आंकड़े को छूने के लिए बाबर ने 13 इनिंग ली और यह वर्ल्ड क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे तेज कारनामा करने वाले कप्तान बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 17 पारियों में 1000 रन पूरे किए हुए थे। इसके तीसरे पायदान पर एवी डी विलियर हैं, जिन्होंने 18 पारी में इतने सारे रन पूरे किए थे।